शरीर में विटामिन और प्रोटीन की कमी को दूर करने का बेहतरीन उपाय। नमस्कार दोस्तों, एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल पाते हैं। अनियमित खान पान दिनचर्या के कारण हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण हर कोई किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ ही जाता है। इसका मुख्य कारण है शरीर में ठीक ढंग से विटामिन और प्रोटीन की पूर्ति न हो पाना। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन उपाय लेकर आए हैं जिससे आपका सारा दिन सही से गुजरने वाला है। आप किसी भी कार्य को करेंगे तो आप अपना 100% उसमें दे पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बाजू में घंटे को दबा दीजिए। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत होगी वह आपके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले आप लेंगे एक कटोरी जिसमें एक गिलास पानी होना चाहिए, और इसमें हम सबसे पहला सी लेंगे दोस्तों ये दो मुट्ठी काले चने। काले चने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम और कई तरह के ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे दिल, दिमाग, शरीर और पूरे बॉडी को एक्टिव रखते हैं। तो आप यहाँ पर दो मुट्ठी भर काले चने लेकर के पानी में डाल लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला सी लेना है, इसे कहते हैं दोस्तों मूंग दाल। मूंग दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन के साथ साथ मिनरल भी पाया जाता है। इसमें और भी कई गुण भरे होते हैं, जैसे कि वजन कम करना, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, कब्ज की समस्याओं को दूर करना। तो आप यहाँ पर ये मुट्ठी भर ये मूंग लीजिए, पानी में डाल दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला सी लेना है, ये दोस्तों मूंगफली के कच्चे दाने। मूंगफली के दाने में प्रोटीन के साथ साथ विटामिन ई होता है जो हमारे बालों, हमारे त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप यहाँ पर 10 से 12 मात्रा में आप ये मूंगफली के कच्चे दाने लीजिए, पानी में डाल दीजिए। सारी रात इसे भिगो कर रखिए और अगली सुबह पानी से बाहर निकाल लीजिए और आप इसे कपड़े में बांध करके रख दीजिए जब तक यह अंकुरित न हो जाए। आप चाहें तो आप ये मूंगफली के दाने को अलग और ये मूंग के दालों को अलग अलग करके बांध सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर इसमें डालिए ये कटा हुआ टमाटर। सलाद हो या सूप हो, टमाटर के सेवन से आपको अधिक फाइबर मिलते हैं, यह पाचन क्रिया में सहायक होता है। इसके बाद आप यहाँ पर लीजिए ये बारीक कटा हुआ प्याज। इसके बाद आप इसमें थोड़ी सी मात्रा में डाल दीजिए ये बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। फिर आप यहाँ पर लीजिए ये आधा कटा हुआ लेमन नींबू, इसको इसमें निचोड़ दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर अपने स्वाद अनुसार ये नमक लीजिए, सफ़ेद नमक लीजिए या फिर आप चाहें तो इसमें काला नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसे अच्छे से मिलाइए और रोज़ाना सुबह खाली पेट इसका सेवन कीजिए। तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपका दिन बहुत ही अच्छा से गुजरने वाला है। दिन भर आपका एनर्जी बना रहेगा और इससे खाने से आपके अंदर ताकत आएगी, आपके अंदर जोश उत्पन्न होगा। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।